Hello and welcome all of you. You are watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, इस नई वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं अकाउंटिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ. अगर आप 11th कॉमर्स में पढ़ते हैं, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड टीचर या फिर जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की होगी. और अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो अकाउंटिंग की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए. तो शुरू करते हैं अपने इस सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, विच इज कॉमनली नोन एज गैप. ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड हम अकाउंटिंग करते हैं. जब भी हमें अकाउंटिंग करनी होती है तो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं जिनको फॉलो करके हमें अकाउंटिंग करनी होती है. तो इसमें टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से 3 कन्वेंशंस हैं, 3 अजम्पशंस हैं, और बाकी के 11 कॉन्सेप्ट्स हैं. आज हम 3 अजम्पशंस को देखेंगे. सबसे पहला हमारा आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. इसका मीनिंग यह है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, आप कभी ये उम्मीद नहीं करते कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा. हम बिजनेस स्टार्ट करते समय हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा. द बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली. गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है ये कभी भी बंद नहीं होगा, आगे भी बढ़ेगा और हमेशा चलता रहेगा. बेस्ड ओवर दिस प्रिंसिपल, बेस्ड ओवर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ओवर फिक्स्ड एसेट्स. जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट को हम उस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं चार्ज करते हैं, बल्कि एवरी ईयर उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंगली. दूसरा होता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन. ये वर्ड कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है सिमिलर. कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिस या अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड एक बार जो अडॉप्ट कर लिया, उसे ईयर आफ्टर ईयर हमें हर साल एज इट इज सेम टू सेम फॉलो करना है. हमें कभी भी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस, पॉलिसी या मेथड जो अडॉप्ट कर लिया है उसे चेंज कभी नहीं करना है. ऐसा क्यों? अगर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हर साल चेंज करते रहेंगे तो कभी भी अकाउंट्स, अलग अलग साल के अकाउंट्स हमारे आपस में कंपेरेबल नहीं रहते हैं. सो टू ब्रिंग द कंपेरेबिलिटी टू अकाउंटिंग, वी फॉलो कंसिस्टेंसी अजम्पशन. कंसिस्टेंसी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग मेथड्स वंस अडॉप्टेड मस्ट बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम मैनर विदाउट एनी चेंज इन देम. लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपको किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, सपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी चेंज हो जाती हैं या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है, उसकी वजह से अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप चेंज कर सकते हैं, अलाउड है. लेकिन उसके लिए आपको एक एप्रोप्रिएट फुट नोट देना पड़ेगा टू द नोट्स टू अकाउंट्स कि हमने इस अकाउंटिंग पीरियड से अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है और उसके बाद में उस अकाउंटिंग पॉलिसी को आगे हमें एज इट इज ही फॉलो करना है. कंसिस्टेंसी अजम्पशन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के ऊपर बेस्ड कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर हमने एक अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है तो उसे हर साल सेम टू सेम हमें फॉलो करना है, उसे कभी चेंज नहीं करना है. और इन केस अगर चेंज करना कंपलसरी हो जाता है तो हम एक फुट नोट जरूर दें जिसमें ये मेंशन रहे कि हमने क्या चेंज अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में किया है. तीसरा होता है एक्रुअल अजम्पशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम के लिए. एक्रुअल अजम्पशन का मीनिंग यह है, जब भी कोई खर्चे होते हैं, चाहे आपने उनका पेमेंट किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर आपने उन सर्विसेज को अवेल कर लिया है तो आप उन खर्चों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे. इसी तरह से जब भी कोई इनकम है, कोई रेवेन्यू है, चाहे आपने कैश रिसीव किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी है, अगर आपने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, तो उसे आप अपनी इनकम ट्रीट कर लेंगे.
A transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered, when it is entered into, and not when the settlement takes place. Based over accrual assumption, expenses paid or unpaid, both are recorded. Based over this assumption, the revenues received and accrued both are recorded. चाहे हमने expenses का payment किया या वो unpaid है, दोनों के दोनों expenses हम record करेंगे. चाहे हमने revenue cash में receive कर लिया या वो बाद में receive होगा, लेकिन अगर हमारा उस पर write अगर हो गया है तो हम उसे record करेंगे. So according to accrual assumption, हम cash transactions को भी record करते हैं और हम credit transactions को भी record करते हैं. Cash and credit, both transactions are recorded based over accrual assumption. तो ये टोटल तीन assumptions आज हमने पढ़े हैं. पहला going concern assumption, जिसके accordingly एक बार business आपने start किया है तो आप यही उम्मीद करते हैं कि ये business हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा. और जब भी हम depreciation charge करते हैं fixed assets पे, going concern assumption के ऊपर ही based वो depreciation charge होता है. दूसरा है consistency assumption. Consistency means similar. और consistency assumption के accordingly, accounting practices, accounting policies, accounting methods, once adopted, should be applied consistently as it is year after year. There should not be any change. Accounting standard 1 के accordingly, हम consistency assumption को follow करते हैं. और तीसरा है accrual assumption, जिसके basis पर हम cash के transactions भी record करते हैं, credit के transactions भी record करते हैं. Expenses paid and unpaid, both are recorded. Revenues received in cash and accrued, both are recorded. So, ये थी knowledge basic accounting के बारे में. आप को अगर इसमें कोई query है, तो आप comment में mention करें. अगर video अच्छा लगे, तो उसे like करें और अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि ये अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज सभी को मिलती रहे. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड बाय टुमारो.